यार इस ईद पर भी थोड़े से ही पैसे बचे हैं, इन पैसों से तो शॉपिंग भी नहीं होगी। चलो ऐसा करता हूँ कि अपने लिए ना सही अपने भाइयों के लिए कुछ ले लेता हूँ। भाई इस ईद पर आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, भाई आप हमसे वादा करें कि आप अगली ईद पर लाजमी लेंगे। यार ऐसे तो मैं कर नहीं जा सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अली भी कैसे आना हुआ? खैरियत है? परेशान लग रहे हो। नहीं यार खैरियत है, आप अपनी सुनाओ। बस ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बता रहे। कोई नहीं हमजा भाई, यार असल में मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, कपड़े लेने थे, इसलिए आपके पास आए। यार ईद सर पर है, मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन इस परेशानी का हल ज़रूर बता सकता हूँ। आप बाज़ार में हाफिज़ मंजूर की शॉप पर चले जाएँ, वहाँ पर किश्तों पर कपड़े मिलते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। क्या चाहिए आप? अच्छा हाफिज साहब, मुझे हमजा भाई ने भेजा है, आपके पास सुना है कि किस्तों पे सामान मिलता है, मुझे कपड़े और जूते चाहिए। जी ज़रूर, क्यों नहीं, जो पुराना माल है वो तो अभी ख़त्म है, लेकिन जो नया माल है वो अभी आने वाला है। लेकिन मैं आपको ये मैं पहले बता दूं कि जो माल मैं आपको दूंगा किस्तों पर, वो आपको 3500 या 4000 उसका जो किराया वो आपको पे करना पड़ेगा। नहीं हाफिज साहब, इतने पैसे तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगा। कोई मसले भी नहीं, हम हाज़िर हैं, आप ऐसे करें जैसे ही जब नया माल आएगा तो मैं आपके घर पहुँचा दूँगा, लेकिन इसका आपको तो किराया देना पड़ेगा। अच्छा हाफिज साहब, आप ये बता दें कि उसका फिर किराया कितना बनेगा? आपके लिए सिर्फ किराया 500 रुपये होगा, लेकिन एक बात है कि आपको ईद के तीसरे दिन बिल्कुल ही जो कपड़े अपने तो वापस करने होंगे। जी भाई ठीक है, आप पहुँचा दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, हम हाज़िर हैं जनाब। जुहैब, अकबर आओ मेरी बात सुनो। मेरे भाई आपका जूता, ये अकबर आपका जूता। ये आपके कपड़े, ये अकबर आपके कपड़े। अच्छा भाई बताओ कैसे हैं कपड़े आपके और जूते? भाई ये तो प्यारे हैं, लेकिन आपके पिछली बार भी आपने हमसे वादा किया था कि नेक्स्ट ईद पर ज़रूर लेंगे। वो यार कपड़े मैंने अपने लिए हैं, पर असल में ना ईद के आखिरी दिन चल रहे हैं तो मैं दर्जी को दे आया हूँ, बाद में कोई लेता नहीं, मैं अपना काम करके आया हूँ भाई। अच्छा ये कपड़े हाफिज साहब ने भेजे हैं आपके लिए, इनका ख्याल रखिएगा वरना आपको लेने पड़ जाएंगे।
यार इस ईद पर भी हमारे भाई ने अपने लिए कुछ नहीं दिया। यार हमें भी अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। ठीक है जनाब। उस दिन जो भाई आपसे कपड़े लेकर गए हमें वही कपड़े और जूते चाहिए। अभी तो मेरे पास नहीं है, लेके हम आप दो दिन के बाद आ जाएं आपको दें। जी वो शख्स की और नहीं हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा भाई आप ऐसा करें हम सर उसकी पेमेंट ही मिला दें। पैसे तो 3500 4000 आपको फंड कर, लेकिन आपके लिए 3000 फाइनल होगा भाई। हम आपको अभी पैसे ला कर देंगे। ठीक हो गए जनाब। यार मेरे पास घड़ी है, इसे कोई ना बेचते। लेकिन यार इससे भी तो पैसे पूरे नहीं होंगे ना। तो इसे कोई बेच देते। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह जनाब। भैया ये आपके पैसे। ठीक हो गए जनाब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक साहब। खैर मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। माशाल्लाह भी आज तो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। जी आप साहब बस आपकी मेहरबानी है और आपका पैगाम मुझे मिल गया था। इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों आपको आपके कपड़े वापस मिल जाएंगे सही सलामत। नहीं भाई जो आपके कपड़े हैं उनको तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके भाई हैं उन्होंने पेमेंट आपकी अदा कर दी है। वो कब? बस आप कह जानी ही की बात है, एक दो दिन के बाद वो आए मेरे पास और उन्होंने आपकी पेमेंट अदा कर दी है। ठीक है। यार देखो हमारे भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। आखिर भाई किसके हैं? माशाल्लाह भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। नहीं वो तो बात आप लोगों की ठीक है, लेकिन ये क्या माजरा है?